खड़क की खूबसूरती। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एक्चुअली गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 6 बजे हैं। हमें जाना है पंगूट, और जो कि हमें निकलना था 5 बजे। 4:30 का अलार्म लगाया था और अलार्म बजा, उठ के फिर से नींद आ गई। तो अब नींद खुली है 6 बजे। थोड़ा सा लेट है हम, क्योंकि जा रहे हैं बर्ड वॉचिंग के लिए। पंगूट फेमस है बर्ड वॉचर्स के लिए, बर्ड वॉचिंग के लिए। तो हाँ, जितने अर्ली मॉर्निंग जाए उतना सही है। इवनिंग भी सही है, बट इवनिंग में आजकल अंधेरा जल्दी हो जा रहा है। ये अच्छी बात है कि हम नैनीताल में हैं, क्योंकि गेठिया से तो फिर हमें ज़्यादा टाइम लग जाता। क्योंकि हमारा कल, मतलब आज और कल ऑफ है, सैटरडे संडे, और फ्राइडे को हम नैनीताल ही रुक गए। हमने इमरजेंसी के लिए यहाँ पे रूम लिया है, कि कभी बर्फ़ गिरे या बारिश हो, या कभी क्लाइंट लेट आ रहे हैं, या कभी कुछ और काम पड़ गया। और जैसे ही सब रेडी हो जाता है, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। यहाँ से पंगूट है 12 किलोमीटर है, जो हमें अराउंड 35 मिनट्स लगेगा। और रास्ते में भी हम रुकते हुए जाएंगे, अगर कहीं कोई बर्ड वगैरह दिखी। जैसे ज़्यादातर लोग वहाँ पे कोकलाज के लिए ही जाते हैं, जो कि हमारा भी मेन वही है कि हम कोकलाज मिले। और बोलिए हाय। हेलो, ये देखिए, गुड मॉर्निंग। तैयार हो गए हैं, लेट भी हो गए हैं, अब भागते हैं जल्दी से। सर्दियों में नींद खुलना ना बहुत ही टफ काम है। कैमरा बैग हो चुके हैं पैक, ये हमारे कैमरा बैग्स हैं, और गोप्रो। अभी पास में कैलेंडर दिखा हाई कोर्ट का, तो ध्यान आया कि मैं आपको भी दिखाऊं। इस साल के 2022 के कैलेंडर में हम दोनों की भी पिक्चर्स छपी हैं। आप सीधा करेंगे हमारी पिक्चर यहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, ये है मेरी पिक्चर, लिखा है सोनिका गुलबे एडवोकेट। ये है हुप्पू, जो मैंने गेठिया में खींची थी, ये जून के मंथ में लगी थी। और शिव की दिखाती हूँ, और ये है शिव की पिक्चर, जो कि इन्होंने कॉर्बेट में क्लिक की थी। नीचे पढ़ ही रहे होंगे अब, शिव पांडे एडवोकेट। बहुत ही सुंदर पिक्चर है ये भी। और अच्छी बात ये है कि 2023 के कैलेंडर में भी हमारी फ़ोटो सेलेक्ट हो गई है। ये कैलेंडर है हाई कोर्ट का, देखिए। यहाँ से लेक का व्यू भी दिख रहा है। मॉर्निंग वॉक, लोग मॉर्निंग वॉक के भी निकल गए। ये पंगूट वाली रोड है। अरे, ये तो काफ़ी डैमेज हो गई है इधर, काफ़ी टाइम बाद आए हैं इधर। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ चाइना पीक या चीना पीक, जो भी आप कह सकते हैं, उसका रास्ता यहाँ से जाता है, जो यहाँ की हाईएस्ट पीक है, जहाँ मैं भी गई थी। हम गए थे, दो बार जा चुकी हूँ। यहाँ से ट्रैक है, और ये आ गई चौकी फॉरेस्ट की। यहाँ से हम एंटर हो गए पंगूट एरिया में, मतलब किलबेरी एरिया में। किलबेरी आएगा, फिर उसके बाद पंगूट आएगा। तो सर्दियों के टाइम पे यहाँ पे इतनी बर्फ़ होती है कि रास्ता पूरा बंद हो जाता है। नैनीताल प्रॉपर में बर्फ़ गिरे ना गिरे, इस एरिया में तो ज़रूर ही बर्फ़ गिरती है। बहुत ठंडा एरिया है, अभी भी बहुत ठंड है। और यहीं अभी थोड़ा आगे आएगा हिमालय दर्शन, हिमालय दर्शन पॉइंट, जो कि यहाँ से आपको राइट करके हिमालय दिखेंगे। अभी दिख रहे हैं, अभी लाइट आना स्टार्ट ही हुई है हल्की लाइट से। ये देखो, हिमालय दर्शन आने वाला है। हिमालय दर्शन से लेकिन अभी धुंध सी है ना, थोड़ा जब धूप आएगी तब खुलेगा। मैं सोचूं आगे सनराइज देखेंगे, सनराइज यहाँ से उतना सही नहीं दिखेगा। हाँ, लेकिन यहाँ से उतना दिखेगा नहीं। ये रहे मॉर्निंग ग्लिम्स ऑफ द हिमालयस। मॉर्निंग वॉक पे आया, रनिंग, रनिंग चल रही है यहाँ, यहाँ रनिंग हो रही है इसकी। मुझे पहले लगा ये अकेला दिख रहा था, मैंने कहा ये यहाँ कहाँ फंस गया, क्योंकि ये पूरा लेपर्ड का एरिया है। यहाँ तो बहुत सारे लेपर्ड रहते हैं। अंधेरे में तो आपको रात को या अर्ली मॉर्निंग आप आओ तो यहाँ तो दिखने का पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। इस एरिया में बहुत मूवमेंट है, यहाँ से पूरा पंगूट तक। और रोड तो काफ़ी ख़राब हो रही है।
रोड खोद के अभी उजाला हो गया है इसलिए लोग निकल आए हैं वॉक पे, वरना तो जब हल्का अंधेरा रहता है तो कोई नहीं आता इस रास्ते में पैदल। इनफैक्ट बाइक वाले भी कम ही आते हैं इधर। एक्चुअली अभी पंगूट काफ़ी दूर है क्योंकि किलबिली से पहले है हम अभी हिमालय दर्शन के पास में, तो ज़्यादा दूर तक लोग जाते नहीं पैदल, जाएंगे तो घर के जहाँ उनका घर है उसके आसपास ही जाते हैं वॉक पर। सनराइज़ होने लगा है, अब सनराइज़ हो चुका है और ये देखिए आप सामने व्यू, ये त्रिशूल और नंदा देवी दिख रहा है ना, नंदा देवी पीक है वो तो, और त्रिशूल दिख रहा है इधर, और आप देखिए कितना डीप फॉरेस्ट है इधर। बाकी की रेंज अभी इतनी क्लियर नहीं है, और ये सनराइज हो गया है। चले अब आगे की तरफ, विंटर्स में ही रेंज काफी क्लियर दिख पाती है। आप पहाड़ में जहां भी जाइए, जहां से भी आपको व्यू पॉइंट देखना है, आप कसानी जाओ, चौकोड़ी जाओ, जहां से भी आपको पीक्स वगैरह देखनी है, तो पीक्स जो है वो आपको विंटर्स में ही अच्छी दिखेंगी। समर्स में और मॉनसून के टाइम पे नहीं साफ दिखेगी, मॉनसून में तो वैसे ही इतना कोहरा, इतनी धुंध रहती है, और समर्स में भी धुंध सी रहती है, तो विंटर्स में काफ़ी क्लियर रहता है, तो बहुत सुंदर व्यू दिखता है। यहाँ पर बुरांच के भी काफ़ी पेड़ हैं जो कि खिलना स्टार्ट होते हैं जनवरी फरवरी से खिलते हैं, वो बहुत ही सुंदर रास्ता लगता है उस वक्त। इंग्लिश में शायद रोडोडेंड्रॉन कहते हैं उसे, रोडोडेंड्रॉन अगर, हाँ होनी तो चाहिए मेरे फ़ोन में उस पिक्चर जब मैंने क्लिक की थी बुरांच वाले की उस टाइम की, वो मैं इसमें शेयर करूँगी। कितना सुंदर लग रहा है, ये किलबेरी की एंट्री है, यहाँ पे फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है लेफ्ट से, और यहाँ पर राइट में एक लेक भी है जो बनाई गई है। हाँ यहाँ पर एक लेक बनी है, ये आर्टिफिशियल लेक है ना, आर्टिफिशियल बनाई है, आर्टिफिशियल है बेसिकली, बांध टाइप का बना के पानी रोका है, यहाँ पे शायद पानी रुकता था तो इन्होंने एक बहुत अच्छा लुक दे दिया है, इधर लेक बना दिया। ऐसे वीडियो बनाएंगे थोड़ा सा, गाड़ी रोक के, ये कोई गाड़ियाँ नहीं आ रही है, जब भी हम आए थे तो यहाँ पर उस समय काम चल ही रहा था, एंट्री गेट बंद था, टिकट्स के लिए यहाँ पे लगा था, बट उस समय काम चल रहा था तो हम आ नहीं पाए। यहाँ इसका रास्ता है, ये किलबिली के जस्ट पास में है, अभी चलते हैं, अभी तो बंद है, देखते हैं वापसी में अगर गेट खुल गया होगा तो नीचे जाएंगे, मुझे लग रहा है खुल गया है, आएंगे वापसी में अगर गेट खुल गया होगा तो। ज़्यादा बड़ी लेक नहीं है, छोटी लेक बनाई है, बनी है मतलब, और पानी रिलीज होता है बरसात वगैरह में, अगर ज़्यादा पानी बन जाए तो रिलीज होता है। यहाँ पर वो डाउल की आवाज़ आई है तो देखते हैं उतर के, ज़्यादा दूर है क्या। ये देखिए वो लेक से पानी फिर यहाँ रिलीज हो रहा है, अभी वो डाउल की आवाज़ आई थी हमें गाड़ी में ही, थोड़ा तो वॉच कर रहे थे कि आउल वगैरह तो नहीं है, बट ये समझ में नहीं आ रहा कि वो कितना दूर है क्या, हो सकता है कि उधर फॉरेस्ट से आई वो आवाज़, मुझे लग रहा है उस साइड से आई थी। हाँ फिर कोकलास का टाइम निकल जाएगा। यहाँ पर बहुत लैंडस्लाइड होते हैं इसीलिए हम मानसून में आते नहीं हैं, पंगूर की तरफ पूरा आ जाता है मलबा बार बार नीचे और रास्ता बंद हो जाता है। कितनी देर के बाद कुछ दिखा, मतलब एक बाइक दिखी, सीजन टाइम में काफ़ी रहती है चहल पहल, यहाँ लोग आते रहते हैं, विंटर्स में कम रहता है, वैसे कम ही आते हैं लोग इधर, जो बर्ड
वॉचर्स होते हैं जिन्हें थोड़ा पीस पसंद होती है, काफ़ी पीसफुल एरिया है क्योंकि आते हैं, तो पंगूट में काफ़ी रिजॉर्ट्स बन गए हैं, कैफे रिजॉर्ट्स बहुत सारे बन गए हैं पंगूट में। पंगूट अब आने वाला है, यहाँ ऊपर भी लॉज कॉटेजेस बने हुए हैं, अच्छे बने हैं। इधर हम गए थे घूमने, पंगूट पे रुके भी हमें एक दो बार। मैंने कहा ये क्या है, बिल्ली है, देखिए पेड़ में चढ़ रही है, दिख रही है। ये अपना शीशा नीचे कर रहे हैं, ये आ गया पंगूट, बहुत कैफे और रिजॉर्ट्स बन गए हैं इधर, मतलब ये दोपहर रेस्टोरेंट, और ये जो लेफ्ट में रास्ता जा रहा है यहाँ से नीचे को जाएंगे अगर आप, तो काफ़ी रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे आपको रुकने के लिए। और हम अब हम जा रहे हैं, हाँ राइट को मुड़ गए हैं, हाँ सीधी रोड में मुड़ गए, मतलब वो तो लेफ्ट जा रहा था, और नीचे भी शायद इस रोड से नीचे भी रिजॉर्ट है, और हम सीधे अब आगे की तरफ जा रहे हैं कुंजा खड़क की तरफ, क्योंकि जो कोकलास दिखती हैं वो पंगूट से कुंजा खड़क के रास्ते में ही मिलती है ज़्यादातर, अर्ली मॉर्निंग ही उनका टाइम होता है दिखने का और इवनिंग में। इसी हाल में जैसे सालों से थी, अच्छी भी बात है, इन्हें सब आएंगे अरे यहाँ खरीदो रिजॉर्ट बनाओ, यहाँ खरीदो रिजॉर्ट बनाओ, रोड ऐसी है तो लोग थोड़ा डिस हो जाए, डिस हो जाए, नेचर बचा रहता है यहाँ पर। हाँ कुछ जगह जैसी है वैसे ही रहनी चाहिए, तभी अच्छी लगती है, मतलब पीसफुल एरिया है वैसे भी। गुगु खाना गया कुंजागढ़ के यहाँ से 18 किलोमीटर है, 18 कोटाबाग को ये नीचे वाला रास्ता निकलेगा, 56 किलोमीटर बन रहा रास्ता, कहाँ पर क्या है यहाँ पे गुगुती कैफे है, ये भी काफ़ी अच्छा कैफे है, यहाँ हम आए थे। और नीचे इधर ये कोटाबाग को जो रास्ता जा रहा है अब तो शायद बन गई होगी, पूरी रोड बन रही थी, उस रास्ते में भी काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स वगैरह बन गए, इस रोड पे भी बहुत रिजॉर्ट्स हैं, यहाँ भी बहुत रिजॉर्ट्स, विनायक के आसपास है, विनायक वाला ही तो एरिया है। अरे कैफे बड़ा सुंदर लग रहा है, यहाँ चलेंगे बात से, कॉटेज है कि कैफे है पता नहीं, आगे से होगा नहीं नहीं वो रास्ता नीचे से रोड जा रही है पूरी, लेकिन उसमें कॉटेज लिखा है मेरा यहाँ तक ध्यान, तो लगता है कैफे भी हो क्या है। फ्लावर्स बहुत अच्छे, अरे आजकल फ्लावर्स भी इतने अच्छे लगे रहते हैं ना कॉटेज के आसपास, वो नीचे देखिए जो रोड दिख रही है वहाँ, वो सब कैफे के लिए बनी हुई है। स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, ये सब बाज और बुराज के पेड़ है, बुराज तो जहाँ भी ये बाज के पेड़ रहता है, बाज के पेड़ को क्या कहते हैं, बाज हो गया, ओक ओक तो वो होता है, बर्च है, जहाँ भी बांज के पेड़ देवदार के पेड़ दिखेंगे आपको, वो एरिया काफ़ी ठंडा रहता है और वहाँ का पानी भी काफ़ी प्योर होता है, शुद्ध होता है, स्रोत होते हैं उसके आसपास, क्योंकि ये पानी को प्रिजर्व करके रखता है पेड़। और बुरांज के पेड़ भी बहुत हैं इधर, अच्छी बात है कि आप पाइन ट्रीज ज़्यादा नहीं है, पाइन दिखेंगे भी तो एक आधी दिखेंगे, पाइन ट्रीज पूरा पानी सोख लेते हैं और गर्मी भी बहुत होती है उस एरिया में। ये सब रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट और घर भी हैं लोगों के, बहुत धीरे से खोलना, ये देखिए हिमालयन घुरड़ घास खा रहा है, बैक सीट पे जा सकते हो तो चले जाओ, वहाँ से क्लिक कर लो, सुन रहा है धीरे धीरे,
जाएगा दरवाजा खोल के, पीछे चले जाओ सीट पे, पास में है काकड़ है ना, गुड़कड़ है काकड़ है तो, हाँ काकड़ है तो एकदम भाग जाता है, इसके पास में जाओगे ज़्यादा तो। दो काकड़ है तो डेंजर है जैसा कि आप देख ही रहे होंगे। खाने रुके हैं जो जहाँ से व्यू पॉइंट भी है और जिसे चीर फेजेंट पॉइंट भी कहते हैं, चीर फेजेंट दिखते हैं। ना शांत पूरा जंगल का एरिया है, ये पहाड़ में कहीं भी कोई भी एनिमल दिख सकता है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ से, यह है कुंजा खड़क की खूबसूरती, बहुत ही अच्छा घोड़ दिख रहे हैं आसपास में। अभी मैं कैमरे से लेने की कोशिश करूँगा, फ़ोन से तो दिखेगा नहीं। और चीर फेजेंट का भी यही पॉइंट है, चीर फेजेंट दिखती है। कौन कौन से मंथ में आती है पता नहीं, दिख तो सकती पूरे समय सकती है, लेकिन अभी जब घास होती है तब थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो क्या पता थोड़ी धूप में होती है चीर फेजेंट।
कॉल कर मेरे को। सो गाइस, इस व्लॉग के पार्ट वन को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि ये वीडियो मेरा बहुत लंबा बनने वाला है। अभी सस्पेंस है कि हमें आगे क्या क्या दिखता है, क्या क्या मिलता है, हमें कोकलाज मिलती है कि नहीं, और घुरर किस पे कॉल कर रहे हैं, और कौन कौन सी बर्ड्स हमें मिलती है, और हम कहाँ कहाँ घूमेंगे आसपास के एरियाज़ में। तो काफ़ी हैपनिंग व्लॉग है ये। आप इस व्लॉग से जुड़े रहिए और इसका पार्ट टू भी ज़रूर देखिए। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।